प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपके लिए कक्षा 11 की गणित की NCERT की हिंदी संस्करण की पाठ्य पुस्तक से लिए गए दो प्रश्न समझा रहे हैं। ये प्रश्न प्रश्नावली 6.1 के 5, 15 और 16 में दो प्रश्न हैं, पेज नंबर 131 पर हैं। आपके ये प्रश्न जो है वो असमका से संबंधित है। पहला आपका ये दिया हुआ है कि वास्तविक संख्या x के लिए हल कीजिए, ये प्रश्न नंबर 15 है, ये प्रश्न नंबर 16 है। तो इस असमका को हल करके हमें x के ऐसे वास्तविक मान ज्ञात करने हैं जो इस असमका को संतुष्ट करें। तो जैसा कि आपको हम पहले कई बार बतला चुके हैं, असमिकाओं को हल करने के वही नियम हैं जो नियम साधारण समीकरणों के नियम होते हैं। केवल अंतर इतना है कि जब हम किसी समीकरण को ऋणात्मक राशि से भाग करते हैं या गुणा करते हैं तो उसमें कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह होता है। और असमिकाओं में इन इक्विडिट का चिन्ह होता है, इसलिए जब हम असमिका के प्रश्न को किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो हमें उस चिन्ह का रूप परिवर्तित करना पड़ता है। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन करना पड़ता है, और लेस देन है तो ग्रेटर देन करना पड़ता है। इतना सा ध्यान रखना है, वो भी तब जबकि किसी ऋणात्मक संख्या से भाग या गुणा कर रहे हैं तब, वरना जैसा आप साधारण समीकरणों को करते हैं आप बिल्कुल उसी प्रकार से करते चले जाइए। फिर इसके आंसर लिखने की 3-4 विधियां हैं, वो आपको मैं बतलाता रहता हूं और आज भी बतला दूंगा। तो देखिए, पहले आपको हम प्रश्न नंबर 15 हल करके दिखा रहे हैं। हमने पहले प्रश्न उतारा x/4 इज लेस देन 5x-2/3 -7x-3/5। अब देखिए RHS में दो पद हैं तो, और ये दोनों पद भिन्नात्मक रूप में हैं, इसलिए हम पहले इस RHS को सॉल्व कर लेंगे। तो इसके सॉल्व करने पर हमारे मिलेगा LHS में तो वैसा का वैसा रह जाएगा x/4, और RHS में इसका LCM आ जाएगा 15, यहाँ पर हो जाएगा 5x-2-3x-7x-3। क्लियर। अब आप क्या कीजिए कि इसको अभी और सॉल्व करना पड़ेगा RHS के लिए, तो आपको फल प्राप्त होगा x/4 इज लेस देन 25x-10-21x+9/15। और सॉल्व करेंगे RHS को तो फल प्राप्त होगा x/4 इज लेस देन 4x-1/15। अब देखिए, जितना सॉल्व हो सकता था RHS और LHS वो सबसे सही रूप में आ चुकी है। अब आप इनकी कैची की गुणा कर सकते हैं, क्योंकि ये 15 भी धनात्मक है और 4 भी धनात्मक है। तो इसका मतलब आप ये समझिए कि इसे आप पूरे असमिका को 60 से गुणा कर रहे हैं, या तो आप ये मान लीजिए, या आप कैची गुणा की तरह से जिस प्रकार से साधारण समीकरणों में करते हैं उस प्रकार से कर देंगे तो आपको फल प्राप्त होगा 15x=4x-4। क्लियर। और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा 15x=16x-16x-1 यहां पर एक आएगा, गलत हो गया था ये, यहां पर एक है 4। क्लियर। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 16x जो RHS में लिखी है इसे हम LHS में लाएंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएंगे, तो फल प्राप्त होगा 15x-16x-4। इसे अब आप और सॉल्व करेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा -x=-4। अब देखिए, x में जो गुणांक है x का वो -1 गुणांक है,
इसको धनात्मक बनाने के लिए हम माइनस एक से गुणा करेंगे तो ये असमिका का चिन्ह जो है वो परिवर्तित हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा x इज ग्रेटर देन 4। ये हमारा उत्तर आ चुका। इसका मतलब यह है कि x का मान 4 से बड़ी कोई भी संख्या होगी जो वास्तविक है वो, लेकिन 4 नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर जो है केवल ग्रेटर देन का निशान लगा हुआ है, बराबर का निशान नहीं लगा हुआ है। यदि इसी उत्तर को आप नंबर लाइन पर लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये प्लस के अनंत दिखा देते हैं इधर, इधर माइनस का अनंत दिखा देते हैं, और 4 जो आया है वो आप यहाँ पर एक सर्कल बनाकर 4 लिख देते हैं। अब चूंकि बराबर का निशान नहीं है इसलिए इस सर्कल को डार्क नहीं किया जाएगा, ऐसा ही लिखा रहेगा। क्लियर? अब आपका उत्तर या तो ये वाला होगा या उत्तर ये वाला होगा, लेकिन उत्तर निकल के आया है x का मान 4 से अधिक है, तो 4 से अधिक का मतलब इधर की ओर माना जाएगा आंसर। तो आप यहाँ पर एक सर्कल का निशान बना के खाली डार्क नहीं करेंगे और इस प्रकार से एक लाइन खींच देंगे। इसका मतलब यही हो गया कि जो आपका आंसर वो ये है। कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि इसी लाइन को यहाँ से डार्क कर देते हैं तो वह भी उत्तर हो जाता है। ये उत्तर लिख दीजिए आप, या ऐसा कर देते हैं कि इस लाइन को डार्क कर देते हैं। किसी दूसरे रंग से कर दीजिए वो भी उत्तर मान लिया जाता है। और अगर आप इसको इंटरवल के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे आप x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 4, क्योंकि 4 हमें नहीं लेने हैं इसलिए हमें ओपन इंटरवल लगाना पड़ेगा। अगर यह बराबर का निशान होता है इसका मतलब आंसर में 4 भी उत्तर में माना जाएगा, तो हम यहां पर क्लोज इंटरवल का निशान लगाते हैं, कॉमा अनंत, और अनंत जो है पॉजिटिव हो चाहे ऋणात्मक हो उसके लिए ओपन इंटरवल बनाते हैं, क्लोज नहीं बनाते हैं। तो आपने इंटरवल के रूप में इस प्रकार से लिख दिया, यह आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से यह प्रश्न पूरा हो जाता है। आप समझने का प्रयास कीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। कोई प्रश्न कठिन नहीं होते हैं, सभी प्रश्न बहुत सरल होते हैं, बस केवल आप घबराएं नहीं, नियमों के अनुसार प्रश्नों को हल कीजिए। ये प्रश्न आपका पूरा हो जाता है 15। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 16। पहले हम प्रश्नोत्तर ले रहे हैं 16। 2x-1/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x-2/4-2-x/5। देखिए LHS में तो एक ही पद है, RHS में दो पद हैं जिनके बीच में ऋण का चिन्ह लगा हुआ है, तो पहले RHS को सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि प्रश्न को आसानी से हल कर सके। इसके लिए LHS तो वैसा का वैसा लिखा रहेगा, 2x-1/3, और RHS में हम LCM लेंगे, इसका LCM 20 आ जाएगा और यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 5x-3x-2-4x-2-x। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे तो फल प्राप्त होगा x-1/3 इज ग्रेटर और इक्वल टू ये 20 यहाँ पर आ जाएगा, और ये अंश में प्राप्त होंगे 15x-10-8+4x। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे RHS को तो फल प्राप्त होगा 2x-1/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 19x-18/20। अब आप इसको और सॉल्व करिए तो अब आप यहाँ पर क्या चीज़ की गुणा कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 भी धनात्मक है और ये 20 भी धनात्मक है, तो आपको फल प्राप्त होगा 20x-1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x-19x-18। अब आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे RHS में भी और LHS में भी, तो आपको फल प्राप्त होगा
चालीस एक्स माइनस बीस इज ग्रेटर देन और इक्वल बराबर ये हो जाएगा 1957 एक्स माइनस 54। क्लियर। अब इसको आप पक्षांतर कर लेंगे, इसको आरएचएस में पहुंचा देंगे, इसको एलएचएस में पहुंचा देंगे, तो आपको फल प्राप्त होता है 40 एक्स माइनस 57 एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 54 प्लस 20। और इसे सरल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा माइनस 17 एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 34। अब एक्स का गुणांक जो है माइनस 17 है, इसे पहले हम धनात्मक बना लेते हैं। पूरे समीकरण को हम माइनस 17 से भाग नहीं करेंगे, उसमें हो सकता है कि आपसे त्रुटि हो जाए, पहले इसे धनात्मक बना लीजिए। अर्थात ये मानिए कि इसको आप जो है वह माइनस एक से गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं। तो अब आप चूंकि माइनस एक से गुणा या भाग कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये चिन्ह का रूप बदलना पड़ेगा। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का है, तो यहाँ पर हमें लेस देन और इक्वल टू लगाना पड़ेगा। तो हमारे लिए फल प्राप्त होता है 17 एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 34, और इससे फल प्राप्त हो जाएगा एक्स इज लेस देन बटे 34 बटे 17, और ये कैंसिल हो जाएगा 2। एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2। एक्स का मान जो है वो या तो 2 के बराबर है या 2 से कम है। एक प्रकार से आपका उत्तर ये आ चुका। आप एग्जाम में आंसर इतना लिख के छोड़ दीजिए, ये भी सही है। अगर वो आपसे कहे इस आंसर को नंबर लाइन पर दिखलाइए, तो आपको एक लाइन और बढ़ानी पड़ेगी, और वह कहे आपसे कि इसके लिए आप अंतराल के रूप में लिखिए, तो आपको फिर और तरह से आंसर लिखना पड़ेगा, और वो कहे इसके लिए आप सेट के रूप में लिखिए, तो आपको और तरह से आंसर लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको अब नंबर लाइन पर लिखना बता रहा हूँ, इसका आंसर किस प्रकार से नंबर लाइन पर लिखा जाएगा। वैसे तो आपको मैंने बहुत सारे प्रश्न बताए हैं जिसमें मैंने आंसर को नंबर लाइन पर लिखना सिखलाया है, बताया है। मैं आपको इसका भी बता देता हूँ। पहले एक लाइन बना लेती है, यही लाइन जो है वो नंबर लाइन कहलाती है। इधर की तरफ माइनस अनंत होता है, इधर की तरफ प्लस अनंत होता है, और आपका आंसर आया 2। तो यहाँ पर आप कहीं एक सर्कल का निशान बना दीजिए और यहाँ पर 2 लिख दीजिए। अब ये सर्कल कभी कभी तो ऐसा ही रहता है, और कभी कभी इस सर्कल को डार्क कर दिया जाता है। अगर यहाँ पर केवल लेस देन या ग्रेटर देन का चिन्ह होता है, तो इस सर्कल को ऐसा ही छोड़ देते हैं, इसका मतलब ये 2 नहीं लिया जाएगा। और अगर लेस देन या ग्रेटर देन के साथ में बराबर का चिन्ह भी लगा होता है, तो इसको फिर डार्क कर देते हैं। डार्क चिन्ह करने का मतलब ये है इसका ये आंसर में लिया जाएगा 2। तो इसको मैं डार्क कर दिया, क्योंकि यहाँ पर बराबर का निशान लगा हुआ है। अब हम ये हमारी नंबर लाइन थी, 2 भागों में बट गई, एक ये और एक ये। अगर x का मान 2 से बड़ा है, तब तो ये वाला आंसर माना जाएगा इधर का, और छोटा है तो ये माना जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर लिखा हुआ है x का मान 2 या 2 से छोटा है, इसलिए आप यहाँ पर इसके आगे नीचे या ऊपर जहाँ से चाहे आप एक डार्क मतलब गोला बना के एक सर्कल बना के और सर्कल को अंदर डार्क कर देंगे, क्योंकि ये हमें 2 लेना है, और एक इस प्रकार से लाइन खींच देंगे, और ये हो जाएगा आपका उत्तर। इस प्रकार से आंसर को लिखना या इस प्रकार से लिखना, ये दोनों बातें एक ही हैं। अब हम नंबर लाइन पे लिखेंगे, तो नंबर वो अब हम लिखेंगे इंटरवल के रूप में, अंतराल के रूप में, तो हमें इतना पोर्शन दिखलाना है। तो हमारा एक्स का आंसर जो है इतने हिस्से में है, इतने पार्टीशन में है, इसलिए हम लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ओपन माइनस अनंत, यहाँ पर ओपन बनेगा कॉमा, और यहाँ पर 2 बनेगा, और यहाँ पर क्लोज लेंगे, क्योंकि हम आंसर में 2 भी ले सकते हैं। इस प्रकार से ये हमने आंसर को जो है अंतराल के रूप में लिख दिया, और यहाँ पर हम लिख देंगे उत्तर। क्लियर। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न मैंने समझा दिए, तो आप प्रश्न को समझिए, विचार कीजिए, आपकी समझ में सभी प्रश्न आ जाएंगे, थोड़ा अभ्यास करेंगे और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज की बात पूरी होती है, अगली बार फिर मैं आपको कोई और प्रश्न समझाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।